जोहार मास्टर जी, राउर की भी जोहार। बहुत बहुत जोहार पर्वतिया जी, क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। हाँ। और देखो एखन काल तक हमारी ऐसा गर्मी से परेशान रही। हाँ। और आज के कैसन मौसम बढ़िया हो जाए। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बारिश का आगाज हो चुका है और किसान भाइयों कृषि दर्शन के एक नए अंक के साथ हम भी आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और पर्वतिया जी, स्वागत कर लिया तो फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। हाँ एकदम मास्टर जी। और बताओ एकदम जल्दी जल्दी कि आप जब मौसम बदलत है तो किसान भाई मन का करें, हमरे का करो एकदम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बदलते मौसम के साथ खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी बातें तो हम करेंगे किसान भाइयों, लेकिन इस वक्त वक्त है कि कृषि समाचारों का, तो आप खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है मवेशी वितरण योजना। फसल लगाने से पहले बीजोपचार आवश्यक। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करता है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। जो बेरोजगार युवक या अन्य ऐसे लोग जो दुग्ध उत्पादन व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मवेशी वितरण योजना चलाई जा रही है। इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनुदान सह बैंक ऋण द्वारा दुधारू मवेशी वितरण की योजना चलाई जा रही है। शिक्षित बेरोजगार युवक या अन्य ऐसे लोग जो दुग्ध उत्पादन को व्यवसाय बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, वे जिले के गव्य विकास कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में 100% बीजोपचार अभियान चला रही है। राज्य के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर 100% बीजोपचार कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में बीजोपचार हेतु किस दवा की कितनी मात्रा, कौन से बीज कैसे उपचारित किया जाए, इसका प्रशिक्षण किसानों को दिया जाएगा। साथ ही बीजोपचार से होने वाले फायदों को बताकर किसानों को बीजोपचार करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। खरीफ में हमारे यहाँ धान प्रमुख रूप से लगाई जाती है। किसान इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दिए होंगे। धान की अच्छी उपज लेने के लिए झारखंड के वातावरण के लिए अनुशंसित प्रभेद हैं सहभागी, ललाट, IR64, नवीन और MTU 1010। इन किस्मों की बुआई कर किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। धान हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है। खरीफ फसलों का मौसम भी आ चुका है और धान लगाने वाले किसान इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। झारखंड की भूमि और जलवायु के लिए सहभागी, ललाट, IR64 और MTU 1010 अच्छी मानी जाती है। धान के इस किस्मों की बुआई कृषक करे तो उन्हें निश्चित अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और किसान लाभान्वित होंगे। यहाँ के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं टाँड जमीन में छिटा विधि से धान लगाने के लिए, उसमें सबसे अच्छा किस्म है सहभागी, उसके बाद बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109, 110, उसके अलावा अंजलि और वंदना किस्म है जो कि टाँड जमीन में बहुत अच्छा उपज देता है। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उनके रखरखाव, खानपान एवं साफ सफाई और तापमान संबंधी बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के रखरखाव में क्या परिवर्तन करने चाहिए, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। जैसे ही वातावरण का तापमान अगर बढ़ता है तो उस बढ़े हुए तापमान में मुर्गी घर के जो खिड़कियों में सुबह 10 या 11 बजे से जब गर्मी बढ़ती है तो जूट का बोरा उसमें ढक खिड़कियों में लगा देना चाहिए पर्दा के रूप में, और उसे हमेशा उस जूट के बोरों को भिंगा के रखना चाहिए ताकि बाहर की जो गर्म हवाएं हैं वो मुर्गी घर में प्रवेश नहीं करें। साथ ही साथ उसके दाना मिश्रण पे और खान पान पे पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों
वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। यह है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। नाम के अनुरूप यह प्लास्टिक से बना होता है। यह उपकरण कंपोस्ट बनाने के लिए बनाए गए पक्के बेड की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है और कभी भी इसका स्थानांतरण करके कहीं भी कंपोस्ट निर्माण किया जा सकता है। इस वजह से ये किसी भी जगह को पूरी तरह से अतिक्रमण किए बगैर बेहतर कंपोस्ट निर्माण करता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रहीं, वहीं हरी सब्जियों के मूल्यों में भी तेजी का रुख रहा। मौसम की स्थिति के अनुसार सब्जी उत्पादकों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के भाव बढ़ेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7050 रुपए, चना न्यूनतम 5000 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए और आलू न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र राज्य के चार प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के चार प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद सबदेव भैया मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी, हाँ। आप तो हमको बुझाते कि जिसन मौसम आगे बढ़त है उकरे तैयारी कर हिसाब से हमरे के खेती में ध्यान देवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो खरीफ का मौसम आ ही गया। हाँ, और तो हमको बुझाला कि सब्जी से शुरू करते हैं। हाँ भाई, देखिए अब कृषि दर्शन का काम ही है कि कृषि की तमाम तरह की बातें करें। हाँ, और खास करके जब किसान भाइयों खरीफ की बात होती है और खरीफ के मौसम में सब्जियों की बात होती है तो कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और खास करके इसमें ज्यादा फायदा तब होता है या ज्यादा उपज तब मिल पाती है जब आप अच्छी और उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं। सही कहा थे मास्टर, है ना। हाँ, तो एक तो जानकारी देवे कोई नहीं। तो चलिए आज इसी से संबंधित हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसान भाइयों। देखिए पर्वतिया जी बहुत चतुराई से अपनी बात कहती हैं, तो चलिए जो ये खरीफ का मौसम है इसमें आप सब्जियों की कौन सी उन्नत तकनीक अपनाएंगे इनकी पूरी जानकारी आपको देते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर नसीम के साथ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में। आज हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि खरीफ में होने वाले सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ मौजूद है मोहम्मद नसीम जी। मोहम्मद नसीम जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरी तरफ से जोहार। आज मैं
किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि खरीफ का समय आ गया आने वाला है, इसमें कौन कौन से मुख्य सब्जियां आप उगा सकते हैं? जी जैसे भिंडी है, खरीफ में उगा सकते हैं, बैंगन है, खरीफ में उगा सकते हैं, टमाटर, बोदी, फ्रेंच बीन, पालक, मिर्चा, यह सब वैज्ञानिक खेती इसका कर सकते हैं। तो इसी में किसान भाइयों को उसके लिए अभी तत्पर रहना चाहिए ताकि हम समय पर खरीफ की खेती कर सकें। जी तो इन सब में कौन कौन सी उन्नत किस्में होगी जिसको कि किसान भाई हमारे लगाएंगे? अभी लतर वाली भी सब्जियां हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्चा है, तो हम मुख्य तौर से बताना चाह रहे हैं टमाटर में अभी जो उन्नत किस्म है स्वर्ण लालिमा, ये बहुत अच्छी वैरायटी है जो मुरझा रोग से प्रतिरोधक है, अरका अभा जो मुरझा रोग इसमें नहीं लगता है, स्वर्ण नवीन यह भी टमाटर की अच्छी वैरायटी है, इसका बिचड़ा आप तैयार करके इसको लगाना होता है, बिचड़ा लगाने का अभी मई जून में आप क्यारी बनाइए और इसमें बिचड़ा तैयार कीजिए, जब एक महीने का बिचड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आप खेत की तैयारी करके उसमें कतार से कतार और पौधा से पौधा दूरी जो सही दूरी है उसको आप लगा सकते हैं। उसी तरह बैंगन है, बैंगन में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी निकली हुई है, स्वर्ण मणि, स्वर्ण श्री, यह सब अच्छी वैरायटी है, इसका पौध बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं, पैदावार बहुत अच्छी होती है, 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। उसी तरह बोदी में है, बोदी में इसकी खेती आप कर सकते हैं, तो बोदी में अरका गरिमा है, अरका कोमल है, यह सब वैरायटी आप लगा सकते हैं। पालक साग में है, ऑल ग्रीन वैरायटी है जो बहुत अच्छी वैरायटी है। उसी तरह मिर्चा में है, मिर्चा में KA2 वैरायटी बहुत अच्छी है जिसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। लतर वाली सब्जियां हैं जैसे करेला है, इसमें वैरायटी अरका हरित है, लौकी है, इसमें अरका बहार है, खीरा वगैरह है, तो इसमें भी आप अच्छी अच्छी वैरायटी निकली हुई है, पूना खीरा है, बालम खीरा है इत्यादि है। नैनवा है, नैनवा में राजेंद्र नैनवा 1-2 ये बहुत अच्छी वैरायटी है जो बरसात में इसकी खेती की जा सकती है। पूसा स्नेहा, पूसा सुपीरिया, यह सब नैनवा की अच्छी वैरायटी है। झिंगी की वैरायटी है सतपुतिया है, पूसा नसदार है, यह सब वैरायटी आप लगा के खेती कर सकते हैं। फ्रेंच बीन की वैरायटी है जो आप अभी पोल टाइप जो लत्तीदार है उसको आप लगा सकते हैं। बिरसा प्रिया, यह सब अच्छी वैरायटी है, इस तरह करके आप इसको लगा सकते हैं। जी तो डॉक्टर साहब की इन सब्जियों का जो पौधा है उसको बनाने की उन्नत तकनीक क्या होगी? तो इसमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसका पौध बना के आपको लगाना होता है, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसको डायरेक्ट उसका बीज खेत में बोया जाता है सही दूरी में। तो इसमें पौध जैसे टमाटर का पौध बनाना होता है, मिर्चा का पौध बनाना होता है, बैंगन का बनाना होता है, इसको डायरेक्ट हम नहीं लगाते हैं। तो इसमें किसान भाइयों से बताना चाहेंगे कि अगर स्वस्थ पौध रहेगा तो पैदावार भी अच्छी होगी। स्वस्थ पौध बनाने के लिए आप खेत की तैयारी करें, उसमें क्या कहते हैं क्यारी बना लें, 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा क्यारी बनाएं। इसमें क्या कहते हैं प्रति वर्ग मीटर आप इसमें खाद और उर्वरक का व्यवहार करें। तो इसमें खाद उसको कैसे करें? हाँ, एक प्रति वर्ग मीटर 4 से 5 किलोग्राम कंपोस्ट लगता है, 20 से 25 ग्राम यूरिया, 45 से 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 10 से 15 ग्राम पोटास और 3 ग्राम कार्बोफुरान प्रति वर्ग मीटर देकर मिट्टी को मिला दें, हल्की नमी बनी रहे, सिंचाई करें, उसके बाद उसमें बीज डाल दें। जो अब आजकल कोई भी बीज आप डालते हैं तो उपचारित करके ही डालना चाहिए,
उपचार नहीं करते हैं तो उससे बहुत तरह की बीमारी हो जाती है, अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए उपचारित बीज वेवस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला के आप उसका बीज लगाएं। इसके बाद 10-15 दिन के बाद उसी क्यारी में डायथेन M45 एक दवा है जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से आद्र पतन रोग इत्यादि से निजात मिल जाता है। तो इस तरह करके पौध बनाएं और जो डायरेक्ट लगाना का है वो डायरेक्ट बीज जिसका लगाना होता है उसको डायरेक्ट सीधी उसकी बुआई कर दें और उसके लिए भी क्या कहते हैं लगाने की दूरी है जैसे कद्दू है करेला है तो इसमें 3 मीटर कतार से कतार और 50 सेंटीमीटर बीज से बीज डालना चाहिए। उसी तरह नेनुआ का 1 मीटर है और फिर 50 सेंटीमीटर दूरी में है कतार से कतार 1 मीटर और बीज से बीज 50 सेंटीमीटर की दूरी में इस तरह लगाएं। इसके बाद टमाटर वगैरह में है, टमाटर में क्या कहते हैं आप 60 सेंटीमीटर कतार से कतार पौध से पौध 45 सेंटीमीटर की दूरी में खेत में रोपाई करें और इसमें रोपाई करने के समय आपको खाद और उर्वरक का व्यवहार करना होगा। व्यवहार करने के लिए आप कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट डालें। अगर आप अंतिम जुताई के टाइम में ही कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपोस्ट की कमी है तो आप लाइन में या थाला में कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। उसी तरह उर्वरक है, यूरिया है 200 से 220 किलोग्राम यूरिया, 300 से 350 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 180 से 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, लिंडन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। इसमें खास ख्याल रखना होगा उर्वरक के लिए कि जो नेत्रजन देने वाली खाद है जैसे यूरिया उसका क्या कहते हैं किस्त में इस्तेमाल करें। बुआई के समय में आधा भाग यूरिया का इस्तेमाल करें और पूर्ण मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट, पूर्ण मात्रा पोटास की डालकर आप बुआई करें। इसी के साथ बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, मास्टर जी, नसीम जी तो बड़ा बढ़िया से बता देने कि सब्जी का फसल क्या अब हमरे कैसे करो है नहीं, और एकदम बढ़िया से बढ़िया फसल ले। बाकी एक जो चीज हम से पूछे खोजत रही कि ये खाद बनकर भी रंग उंग से कोनो चिन्ह होए लगा, काले कि एक तो काला के तो सुने लग रही भूरा खाद ईसन कोनो होए लगा। भूरा खाद, लाल पीला हरियर ईसन? अच्छा, नहीं नहीं भाई, ये भूरा खाद एक ऐसी तकनीक है जिसको अपना करके किसान भाई अपने खेतों में वो खाद तैयार कर सकते हैं। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी तकनीक है, इसके बारे में जानना चाहिए। और किसान भाइयों, आप चूंकि आज बातचीत चल रही है खरीफ के फसल की, तो आप जानते हैं कि खरीफ में हमारी मुख्य फसल है धान, और ये जो पर्वतिया जी अपनी बात चतुराई से कह रही हैं भूरा खाद की, ये असल में धान में ही हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो अगर धान में आप भूरा खाद का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे इसकी तैयारी करेंगे, इन तमाम बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्वतिया जी, ये जो खाद है असल में जो धान की खेत में बहुत तरह के जो चौड़े पत्ते वाले जो घास वगैरह उग जाते हैं उन्हीं पर हम लोग कुछ रासायनिकों का प्रयोग करके इस खाद की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में अपनी जानकारी लेते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सनत कुमार सवैया, वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। किसान भाई, किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज पश्चिम सिंहभूम स्थित जगन्नाथपुर आई हुई है, जहाँ आज हम बात करेंगे भूरे खाद
के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सनत कुमार सवैया जी, आइए इनका स्वागत करते हैं। सनत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सनत जी, जैसे कि हमने आज का विषय चुना है भूरा खाद, तो इसका तात्पर्य क्या है? भूरा खाद से हमारे किसान भाई क्या समझेंगे? जी, किसान भाइयों के लिए ये कुछ नया चीज़ हो सकता है। पहले हम लोग रासायनिक खाद सुने हैं, जैविक खाद सुने हैं, जीवाणु खाद सुने हैं, हरित खाद सुने हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा भूरा खाद या ब्राउन मैन्योरिंग। तो ये एक मैन्योरिंग मतलब खाद देने का एक नया विकल्प है या तकनीक है, समझिए। तो ये किस तरह से और खादों से अलग है? जैसे कि हम यूज़ करते हैं या प्रयोग में लेके आते हैं ग्रीन खाद, तो ग्रीन खाद और भूरा खाद में क्या अंतर है? जी, जैसा हरित खाद, इसमें क्या करते हैं हम लोग पहले लगा देते हैं, जैसे कि डैचा वगैरह का, हम लोग डैचा हुआ, सनई हुआ, और जितने जो आपका जो दलहनी का जो पौधा है, फसल है, उसको हम लोग हरित खाद के रूप में लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग पहले लगाते हैं, मतलब धान लगा रहे उससे पहले एक महीना पहले उसको हम लगाते थे, फिर जब धान का लगाने का समय आता है तो उसको हम लोग जोत देते हैं। जो पहले जो हरित खाद लगाए थे उसको जोत के मिट्टी में मिला देते थे और वही बाद में सड़ के आपका खाद बन जाता था। तो ये हुआ आपका हरित खाद। और ब्राउन मैन्योरिंग या भूरा खाद में क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग धान के साथ एक ही साथ दोनों बीज को मिला के, धान का बीज को और आपका जो हरित खाद के लिए जो बीज है उसको मिला देंगे दोनों का, और उसके बाद छींटा कर देंगे, या तो आप लाइन से सोइंग कर दीजिए। तो उसके एक महीने बाद जब आपका पौधा भी बड़ा बड़ा हो जाए तो उस समय हम लोग उसको खरपतवार नाशक दवा से उसका स्प्रे करके उसको मार देते हैं। तो आपका क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका जो हरित खाद वाला जो आपका फसल था वो धीरे धीरे मरते जाएगा और सड़ते जाएगा। तो इस तरह से वो खाद का काम करता है। सनत जी, जैसा कि अभी आपने बताया खरपतवार नाशक, जी, तो इस भूरा खाद में कौन सी खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग किया जाता है? जी, वैसे खरपतवार नाशक तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक महीना के बाद करना है उसको स्प्रे करना है, तो इसके लिए हाँ सबसे अच्छा जो दवा है वो है 2,4-D। और 2,4-D भी वैसे तीन तरह के आते हैं, तो इसमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो है इथाइल एस्टर बेस्ड 2,4-D। तो इसका प्रयोग करें, इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये आपका सबसे बेहतर उपाय है कि आप उसमें 2,4-D इथाइल एस्टर का स्प्रे करें। वो आपका बहुत सारे अन्य जो चौड़ी पत्ती के घास वगैरह उसको सबको मार देंगे और सब आपका खाद में बदल जाएंगे। सनत जी, ये तो बात हो गई खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग के, अब बात आती है कि हमारे किसान भूरा खाद का प्रयोग करें तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा और कैसे? जी, फायदा आपका जैसे इसमें दवा का स्प्रे करेंगे तो खरपतवार नाशक दवा का, तो इसमें किसानों को जो हाथ से जो चुनवाते हैं या तो उखड़वाते हैं घास, उसका बचत आपका पूरा हो जाएगा। एक एकड़ में करे आपका हाथ से निकलवाएगा तो 2,000-3,000 खर्चा होता है, और इसमें आप इस दवा को लगाइएगा तो आपका 500-600 रुपया में निपट जाएगा। तो इस तरह से एक बचत हो गया, दूसरा उसका फ़ायदा हो जा रहा है, आपको खाद भी मिल जा रहा है। तो एक हेक्टेयर में करीब 2,500 किलो आपका हरित खाद मिलता है सॉलिड रूप में, तो इतना सारा आपको खाद मिल जाता है। बस थोड़ा सा आपका मेहनत लगेगा, खर्चा भी कम है इसमें, तो इस तरह से फ़ायदा किसानों को हो जाता है। और साथ में आपका जो मिट्टी, इससे आपका अच्छा होगा, आपका वहीं पर खाद बन रहा है, वो हरित खाद का ही काम कर रहा है अभी, तो आपका मिट्टी भी आपका सुधार होगा। सनत जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि भूरा खाद कब किया जाए? इसका काम हम लोग शुरू करेंगे जब बरसात आने से पहले, एक महीना पहले, जैसे यहाँ पे आपका मानसून आता है आपका 12-15 जुलाई में, तो इससे एक महीना पहले हम लोग मई में ही इसको करना शुरू कर दें, या मई या तो जून शुरुआत में कर दें। उस समय हम लोग अच्छा से जोत लें खेत को, आप जितना बार जोतेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप खेत को 2-3 बार जोत कर रखें, इसके बाद क्या करना है आपको, आप जो भी लें धान लिए तो उसके साथ डैचा ले सकते हैं, या तो सनई का भी ले सकते हैं, और कुछ आपका लोकल कुछ ऐसा भी है
उसको भी ले सकते हैं जो दलहनी हो, उड़द हो सकता है, मूंग भी ले सकते हैं, उसका पहले बुआई कर ले धान के साथ, दोनों को मिला के छीट दें या लाइन से स्वयं कर दें, उसके बाद एक महीने के बाद उसको हम फिर दवा से मारेंगे। तो ये जो हम उसको मारेंगे वो आपका बरसात शुरू होने के बाद उसको मारेंगे, और इसको हम बुआई करेंगे एक महीना पहले ही, एक महीना से पहले भी कर सकते हैं। तो आपका जितना बड़ा होगा उतना आपका ज़्यादा आपको खाद मिलेगा। तो एक महीना में आपका करीब एक फीट का आपका हो जाता है, आपका ढेंचा अगर लगाए हैं तो एक फीट का करीब हो जाएगा। तो उतना बड़ा बड़ा को आपको स्प्रे करना है। स्प्रे कुछ मतलब उसका भी तकनीक है स्प्रे करने का। उसको हम लोग ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे स्प्रे करते हैं। ऊपर से स्प्रे नहीं करना चाहिए, नोजल को थोड़ा तिरछा करना चाहिए। और इसमें क्या आपको आपको पूरे मतलब पौधे को भिगाना है, पूरे पौधे को भिगाना। अगर आपका मिट्टी में नहीं भी पड़े तो वो भी ठीक है, आपको पूरे पौधे को भिगा देना है। जिसको आपको आपको ढेंचा है तो पूरा ढेंचा को भिगा दीजिए। धान में लग भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका धान मरेगा नहीं। तो इस तरह से आपको स्प्रे करना है, और तुरंत स्प्रे किया और कल ही मर जाएगा ऐसा बात नहीं है। कम से कम उसको मरने में सप्ताह भर 10 दिन लगता है। आपको धीरे धीरे मरना शुरू होगा, पहले पीला होगा, उसके बाद ऊपर से नीचे आपका पीला होते जाएगा, और बाद में उसका कलर बदल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसलिए इसको ब्राउन मैन्यूरिंग बोलते हैं। सनत जी, ये तो हो गई किया कैसे जाए उसके लिए जी। अब सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात आती है कि खेत का चुनाव। इसमें ब्राउन खाद तैयार करने के लिए किस तरह का खेत का चुनाव करना चाहिए जी? खेत हम जिसमें ज़्यादा छींटा करते हैं इसमें ये चीज़ किया जाता है। तो छींटा हम लोग किस में करते हैं, या तो ऊपर वाले खेत में इसको हम लोग 3 नंबर बोलते हैं, या तो 2 नंबर में करते हैं। तो इसमें ही ज़्यादातर यहाँ के किसान छींटा करते हैं, और यहाँ किसान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका दोन में उसमें भी छींटा कर देते हैं, तो उसमें भी किया जा सकता है। सनत जी, ये तो बात हो गई कि हमने खेत का चुनाव कर लिया, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सावधानियां क्या बरते हमारे किसान भाई ब्राउन खाद तैयार करने के लिए। इसमें आपका इसमें फसल जो आप हरित खाद के लिए ब्राउन मैनर के लिए जो आप ले रहे हैं फसल, वो आपका चौड़ा पत्ती का होना चाहिए। अगर पतला पत्ती का लेंगे तो आपका दवा काम नहीं करेगी। 2-4 जो दवा है वो चौड़ा पत्ती में ही काम करता है, इसलिए उसका चुनाव करना है कि इसमें जो चौड़ा पत्ती वाला फसल हो उसको लें। और इस 2-4 का आप दूसरा फसल में मत कीजिएगा। धान छोड़ कर आप दूसरा फसल में कीजिएगा तो उसको मार देगा। ये सिर्फ धान के लिए है, 2-4 आपको सिर्फ धान के लिए जो पतला पत्ती का होता है। तो ये सावधानी बरतना है, इसको 2-4 को सिर्फ धान में ही लगाएं, अन्य फसल में नहीं लगाएं। अगर आप दूसरे फसल में लगाते तो उसको मार देगा। तो देखा किसान भाइयों, सनत जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी भूरा खाद बनाने के लिए। भूरा खाद बनाकर आप अपने खेतों का उपयोग भी कर सकते हैं। सनत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।